हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और जैसा कि आप टॉपिक देख के समझ गए होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोहा। आज हम बात करेंगे कि कोहा क्या है। कोहा इज़ एन ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट वाज डेवलप्ड बाय कैटीपीओ कम्युनिकेशन या / कोहा कम्युनिटी। इसको डेवलप किया गया था जनवरी 2000 में। यूज़ वर्ल्ड वाइड बाई, इसका यूज़ जो है पूरी दुनिया में किन किन लाइब्रेरीज़ में होता है, पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरीज़ में। दिस नेम कम्स फ्रॉम अ मॉरी टर्म फ्रॉम ए फॉर अ गिफ्ट और डोनेशन। यानी कि इसका जो नाम जो रखा गया है कोहा, वो किससे रखा गया है? मॉरी नाम से लिया गया है, मॉरी टर्म से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिफ्ट करना, डोनेशन देना, किसी को जो है डोनेट करना, कोई चीज़ उपहार में देना। अब इसकी जो मेन खासियत है वो ये क्या है कि इट्स कैटलॉगिंग डेटा स्टोर्ड इन मार्क एंड एक्सेसिबल वाया Z39.50 और SRU। यानी कि इसका जो भी डाटा है, इसको हम मार्क में, जो भी कैटलॉगिंग डेटा है उसको हम मार्क फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, Z39.50 के द्वारा इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि फीचर्स, तो इसके जो फीचर्स क्या क्या हैं, इसका जो फीचर्स, पहला फीचर है वो है कि दिस यूज़र इंटरफेस इज़ वेरी कॉन्फिगरेबल एंड अडेप्टेबल। दूसरी चीज़ है कि इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। थर्ड जो इसका फीचर है वो है वेरियस वेब 2.0 फैसिलिटीज़ लाइक टैगिंग करना, कमेंट, सोशल शेयरिंग एंड RSS फीडिंग। ये सारी चीज़ें भी ये वेब 2.0 ये सारी फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये यूनियन कैटलॉग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, ये भी इसका एक फ़ीचर है। उसके बाद में कस्टमाइजेबल सर्च भी हम कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्कुलेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें का जो है हम बार कोडिंग जो है, जो बार कोड सिस्टम है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये है इसके ऑल अबाउट पूरे क्या है, कोहा सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स हैं। ये सारे ही फीचर्स हमको कोहा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आसानी से मिल जाते हैं, जिनका हम यूज़ करके कोहा के द्वारा अपने कैटलॉगिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। जो कैटलॉग कार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो मतलब अगर हम इसके कोहा के बारे में बात करें, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स भी हैं। तो और उसके साथ ही साथ कोहा क्या है, एक कोहा इज़ करेंटली अ वेरी एक्टिव प्रोजेक्ट। कोहा बहुत ही एक्टिव प्रोजेक्ट है। कोहा का यूज़ वर्ल्ड की बहुत सारी, जो चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी हो या फिर स्पेशल स्कूल लाइब्रेरी हो या स्पेशल लाइब्रेरी हो, उन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि कोहा में वो कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। तो कोहा में जो मॉड्यूल हैं, पहला है ओपैक सिस्टम है, दूसरा है इसमें एक्विजिशन सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है, फुल कैटलॉगिंग, फुल कैटलॉग्स का कैटलॉग भी हम बना सकते हैं, फिर इसमें हम पैटर्न मैनेजमेंट का यूज़ होता है, सर्कुलेशन, ब्रांच मैनेजमेंट, सीरियल्स एंड रिजर्वेशन। ये ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इनकी सारी इंफॉर्मेशंस को हम स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम क्या करते थे, अगर हम मैनुअल फॉर्म की बात करें, तो मैनुअल में जब हम कैटलॉगिंग करते हैं, तो जब हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, तो क्या हम करते हैं, जो भी बुक की या किसी भी चीज़ जिसका भी हम कैटलॉग बना रहे होते हैं, उसकी हम सारी इंफॉर्मेशन को कैटलॉग कार्ड में एक एक जो फील्ड, जहाँ पे जिसकी जो फील्ड होती है, डिसाइड होती है, उस फील्ड में हम उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो कोहा है, कोहा क्योंकि ये एक ऑनलाइन ओपन सोर्स सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, तो इसमें भी मॉड्यूल्स बनाए गए हैं जिनके थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें क्या की जाती है, इनपुट की जाती है। अगर हम लास्ट में कहें कि कोहा क्या है, तो कोहा इज़ करेंटली अ वेरी एक्टिव प्रोजेक्ट, जिसका यूज़ पूरी दुनिया में बहुत ही हर प्रकार के लाइब्रेरीज़ में किया जा रहा है। लाइब्रेरी में बहुत से ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज़ हर प्रकार की लाइब्रेरीज़ में किया जा रहा है, तो कोहा भी उसमें से एक है। अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ मैं बताऊँ आपको
कोहा के अलावा और भी जितने भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स हैं उन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके वीडियो के थ्रू बताऊंगी, जैसे कि डेलमेस, डेलनेट, डेल प्लस, लिपकॉल, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन सबके मॉड्यूल्स, सारे इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने इन वीडियोस के थ्रू बताऊंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक यू।